नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही विशेष कार्यक्रम संवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि संवाद की अलग अलग कड़ियों में हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, जानते हैं उनके बारे में, उनकी जो रचना धर्मिता है, उनकी जो यात्रा है, उसके बारे में जानते हैं। आज संवाद के इस कड़ी में हमारे बहुत ही खास मेहमान हैं प्रवीण कुमार गुंजन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। थिएटर डायरेक्टर और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वाराणसी सेंटर के निदेशक पद पे आप इस समय हैं। कुछ बातें रंगमंच की करेंगे हम लोग और कुछ बातें यहाँ की करेंगे। शुरुआत हम एक सवाल लेते हैं कि जो यात्रा रही है आपकी, बेगूसराय से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली तक का सफर, उसके बाद फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का ही जो ब्रांच है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वाराणसी सेंटर, इसके निदेशक के पद पर आप हैं इस समय, तो वो जो पहले तो ये कि गाँव से बेगूसराय, बेगूसराय से जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तक का जो सफर रहा है वो कितना मुश्किल रहा है? मुश्किल तो नहीं रहा जी, बट रचना कर्म का एक महत्वपूर्ण जो हम रचना सृजन करते हैं उसका एक पाठ होता है तनाव जी, और हमें लगता है कि तनाव रहा है और वह हर रचनाकार के लिए तनाव का सृजन हमें लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। मूलतः मैं पटना का रहने वाला हूँ और पटना में मेरा गाँव है, तो वहाँ दुर्गा पूजा वगैरह के अवसर पे नाटक होते थे साल में एक बार, तो वो मेरे घर के दरवाजे पे ही होते थे। तो हमें लगता है कि जो मेरे बाल मानस पटल है उस पे उस समय जो फेस्टिवल के अवसर पे नाटक हो रहे थे वो अंकित है और कहीं न किसी तरह से वो प्रेरणा भी है मेरे लिए, क्योंकि तो मेरे पिताजी बेगूसराय में सर्विस करते थे तो हम लोग का जाना बेगूसराय रहना हुआ। तो बेगूसराय रहते हुए जब बाजार से कभी गुजर रहा था तो वहाँ जो मेन प्रेक्षागृह है दिनकर भवन, वहाँ नाटक हो रहे थे। अच्छा। मैं भी एक दर्शक के तौर पे उत्सुकतावश गया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं लगातार उन लोग से जुड़ा और जुड़ता चला गया और फिर धीरे धीरे थिएटर में काम करता रहा। लंबे समय काम करता रहा, बेगूसराय में किया, फिर लास्ट 2002 के आसपास पटना शिफ्ट हुआ। पटना में भी मैं कई लोगों के साथ, संजय जी के साथ और एक अभियान ग्रुप है उसके साथ भी हमने काम किया, और लमसम बेगूसराय से लेके गांव का थिएटर को मैं, वो बाल मानस पटल पे है उसको मैं नहीं काउंट करता, तो लगभग बेगूसराय से लेकर पटना तक लमसम 14 वर्षों तक मैं रंगमंच लगातार कर रहा था, और शायद शुरुआत के एक दो साल छोड़ दे तो 12 साल तक मुझे रंगमंच के अलावा और कुछ पता भी नहीं था, साथ साथ अपना एजुकेशन भी चल रहा था और नाटक करना अच्छा लगता था, लोगों से मिलना अच्छा लगता था, लोगों से जुड़ना अच्छा लगता था। और रंगमंच करते करते कब ये लगा कि ये जीवन भर साथ हो जाएगा या यही जीविकोपार्जन का भी हिस्सा हो जाएगा, इसी को जीना है, इसी के साथ अपने परिवार को भी ये करना, ये कभी पता नहीं चला, अपने आप सब होता चला गया। तो और लगातार मतलब फुल टाइम थिएटर कर रहा था। 2006 में मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एग्जाम दिया और लग सब वो साथ देता रहा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय गया, वहाँ भी 3 साल रहकर थिएटर के बारे में सोचा, पढ़ा, सीखा, और उसके बाद 2009 में मैं वहाँ से पास हुआ और पास होने के बाद में सीधे बेगूसराय वापस गया, और बेगूसराय जाकर हमने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के दौरान ही मैंने एक ग्रुप बना लिया था जो कि छुट्टियों में जाकर नाटक करता था, तो उस ग्रुप के साथ लगातार काम करता रहा। 2009 से लेकर पिछले 2023 तक मैं अपने बेगूसराय में ही वहाँ रहकर मैं अपने नाटकों के शो देश भर में जहाँ जहाँ मुझे आमंत्रण आता रहा या फेस्टिवल होते रहे वहाँ जाता रहा और एक और काम करता रहा कि मैं घुमंतु किस्म का था तो मैं अलग अलग जगहों पर जाकर ट्रेनिंग देना, नाटक करना, कई ग्रुप के साथ, बाहर के ग्रुप के साथ मैंने नाटक किया, कोलकाता में पदातिक के साथ किया, ऐसे रायगढ़ में किया इप्टा के साथ, तो इस तरह लगातार काम करता रहा। 2023 में मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बनारस में आया,
और बस जर्नी यहाँ से बीच है। अभी एक बात आपने कहा कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाने से पहले आपने लगभग 13-14 साल थिएटर कर लिया था, उसके बाद आपको वहाँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए प्रवेश लिया आपने। आज का जो दौर है, जो लड़के आ रहे हैं, नए लड़के जो थिएटर की दुनिया में कुछ करियर बनाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, बहुत जल्दी है उनके अंदर, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे लग रहा है कि आप तो तुरंत साल दो साल थिएटर किया, उसके बाद फिर तुरंत अप्लाई कर दिया राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए। हमारे लिए थिएटर करियर नहीं था जी, थिएटर अपने कर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और मुझे लगता था कि इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, या कुछ कर भी पाऊं तो मैं उसे उस जद्दोजहद से नहीं कर पाऊंगा, अपने मन से नहीं कर पाऊंगा जो यहाँ मैं कर रहा था। तो करियर सोचकर मैंने कभी थिएटर नहीं किया, और करियर बनता गया अलग चीज है। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाना भी कुछ मकसद था, क्योंकि आसपास के लोग वहाँ जा रहे थे, मेरे समय के लोग, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी ये जो हम थिएटर करते हैं ये अब स्व प्रशिक्षित है, मतलब तो खुद से खुद को प्रशिक्षण करना। और बीच में कुछ थिएटर वर्कशॉप वगैरह मैंने किया था NSD का, संगठन अकादमी का। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय इसलिए नहीं गया था कि हमें करियर बनाना है, इसलिए गया था कि और अपना विस्तार करना है, और चीज़ों को सीखना है, जानना है, और जो मेरी 14 साल की प्रैक्टिस है उसके साथ कोई एक आधुनिक ट्रेनिंग या प्रशिक्षण जैसा चीज़ें जुड़ती है, तो दोनों को लेकर हम आगे भविष्य में और बेहतर काम कर सकते हैं, अच्छा मतलब लोगों तक पहुंच सकते हैं, अच्छे से अपनी बात को कह सकते हैं। और मुझे आज भी लगता है कि वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का 3 साल जितना काम करता है उससे ज्यादा मेरा जो पहले का 14 साल है वो भी काम करता है। बिल्कुल, और दोनों मिलकर आज जो भी मैंने उसके बाद जो काम किए, क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाने के पहले भी मैं रंगमंच कर रहा था, कुछ नाटक अच्छे भी थे, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बाद भी रंगमंच कर रहा था, तो दोनों में अंतर मैं देखता हूँ। तो हमारे पास वो एक प्रोफेशनलिज्म नहीं था। हम प्रोफेशनल का मतलब केवल पैसों से या फाइनेंस से समझते हैं, बल्कि मुझे लगता है कि हम प्रोफेशनल के बाद अपने काम के प्रति कमिटमेंट, परफेक्शन, तो वो चीजें NSD के प्रशिक्षण के बाद हमारे नाटकों में आया। और कंटेन लेवल पे भी हम सब कुछ सीधे सीधे कह देने में विश्वास करते थे, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ट्रेनिंग के बाद हमें क्या कहना है, कितनी चीजों को ले जाना है, ये खुले मन से मैंने करना समझ विकसित हूँ। और ट्रेनिंग ने बहुत काम दिया, मतलब कहानियां तो वही है हमारे यहाँ, जो हम पहले जब करते थे वो नाटकों की वही कहानियां थी, आज भी कहानियां वही हैं, वही करप्शन है, वही स्त्री विमर्श है, वही सामाजिक बदलाव है, तो लेकिन वो कहने के तरीके में बदलाव आया। पहले मतलब कहने के तरीके में क्या था कि यहाँ सब कुछ यहाँ से हो रहा था, दिल से हो रहा था, महसूस किया, कह दिया। और उसके बाद कि प्रशिक्षण के बाद क्या हुआ, तो कहने के तरीके के लिए सोचना पड़ा, नए नए तरीके ईजाद करना पड़ा, और शायद वही प्रयोग भी था। तो इस तरह से दोनों ने मिल हमारे रंगमंच को, अगर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने 3 साल महत्वपूर्ण गति दिया, वो 14 साल का बेस था जिसे वो स्थापित करने में ये रहा। और जो आपका सवाल था, बहुत जल्दबाजी में हम कुछ बेहतर नहीं कर सकते, ठहराव जरूरी है, समझना जरूरी है। और आज भी मुझे लगता है, मैं अभी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में यहाँ निदेशक पद पे हूँ, लेकिन यहाँ जब नए बच्चे आते हैं या उनके अच्छे क्लासेस होते हैं तो मैं बैठ के वो क्लासेस अटेंड करता हूँ, क्योंकि ये सीखने की परंपरा है। और जब तक हम जहाँ हमें लगता है कि हम ठहर गए, रुक गए, हमें सब कुछ आ गया, हमें लगता है कि वही आपका जो थिएटर है, जो कंटेम्प्रेरी आर्ट है, वही पे रुक जाता है। हमें, हम थिएटर वालों को तो कम से कम अपने समय से 5 साल आगे देखना चाहिए। बिल्कुल, तो यही है कि यहाँ आने के बाद और में कि जैसे आमतौर पर जब हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जाते हैं या थिएटर में करियर बनाने की जब शुरुआत करते हैं, तो हमारे मन में रहता है कि हम एक बेहतर एक्टर बने या और एक्टिंग के फील्ड में अपना हम करियर, वो जो भी स्थापना दें अपने आप को। आपने डायरेक्शन को चुना और लगातार आप अच्छे, गबर किशोर आपका बहुत ही फेमस नाटक, फिर कथा, फिर समझौता, बहुत सारे नाटक का निर्देशन आपने किया है। तो निर्देशन के क्षेत्र में जाने के पीछे विशेष कोई मकसद या फिर अभिनय से होते होते निर्देशन के क्षेत्र में आप आया? तो अभिनय करने ही था जी, लेकिन बहुत साफगोई के साथ, और खास करके मैसेज भी हो सकता है जी, कि एक अभिनेता के लिए संपूर्ण होना बहुत जरूरी है। और मैं ऐसे परिवेश से आता था जहाँ भाषा नहीं थी, जहाँ भाषाओं का संस्कार नहीं था, तो मेरे स्पीचेज बहुत अच्छे नहीं थे, मैं टेक्निकल भी मेरी कुछ फॉल्ट थे जिससे मैं टुटराता था। तो मुझे लगा, साफ साफ मुझे लगा कि अगर लंबा समय थिएटर करना है, अभिनय करना है, तो अभिनय के लिए भाषा का होना बहुत जरूरी है। तो मेरी भाषा अच्छी नहीं थी, ये कमजोरी थी मेरी, लेकिन मैंने कहा कि थिएटर तो करना है, तो उस कमजोरी को मैंने ताकत में तब्दील करने के लिए, मैं थिएटर अब अच्छा कर सकूँ, लगातार कर सकूँ,
तो मैंने बैक स्टेज को चुना, डायरेक्शन सीधे नहीं चुना। अच्छा। बैक स्टेज में मैंने लाइट किया, सेट किए, नाटक का पर्दा लगाना या मैनेजमेंट भी पार्ट है। हमने कई नाटकों को, क्योंकि हिंदी रंगमंच में क्या है कि आप डायरेक्टर केवल नहीं हो सकते, आपको प्रबंधन का भी उतना ही नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कोई तो हमें परोस के देगा नहीं, नहीं सारी व्यवस्था आपने करनी पड़ती है, थाल सजाने के लिए चीजें हमें, तो मैनेजमेंट के साथ साथ सब कुछ करता रहा। और अभिनेता के तौर पे मैं अच्छा नहीं हो सकता था, लंबा दूर तक नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरी भाषा अच्छी नहीं थी, मेरी स्पीच टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम थे, तुतराता था मैं। इस कमजोरी के कारण ही मैं डायरेक्शन दिए गया। उसके बाद मुझे लगा कि जो काम हम अभिनय में कर सकते हैं तो निर्देशन में भी वही काम है, बस हम पीछे से करते हैं आगे से करते हैं, तो हमारा ही माध्यम अभिनेता भी होता है। और लेकिन अभिनय नहीं करने का मतलब ये नहीं था, अभिनय को समझता था अच्छे से, और अभिनय बहुत बेसिक चीज है कि हम जो कंटेन है उसको दर्शक तक ले जाते हैं, और ले जाने में हम किस तरीके से तरीके ईजाद करते हैं, किस तरह के हम फॉर्मूले फिट करते हैं, और जो दर्शक है उसको समझना एक अभिनेता के लिए उतना ही जरूरी है जितना एक निर्देशक के लिए। तो हमारे आसपास का जो परिवेश है, तो उसको मुझे लग रहा था कि मैं ज़्यादा महसूस करता था, ज़्यादा जुड़ाव करता था, तो इसलिए डायरेक्शन में मैं मुझे आनंद आने लगा, मज़ा आने लगा, और बस ये कारण। एक चीज़ है कि जैसे जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, जैसे यूपी, बिहार और खास करके पटना और अन्य जगहों से, तो जब कोई लड़का पढ़ाई के दौरान गार्जियन की एक सोच होती है कि हमारा लड़का पढ़ लड़ करके डॉक्टर, इंजीनियर बने, आई एस, पी सी एस बने, या पैसे है तो बिजनेस करे, लेकिन आपने रंगमंच को चुना, तो पारिवारिक रूप से या सामाजिक रूप से किन किन विषयों पर लड़ना पड़ा, समझौता करना पड़ा, या किस तरीके की समस्याएं सामने आई आपके? हम लोग भी, मैं मिडिल क्लास घर से हूँ, पापा सर्विस करते थे, बड़ा लड़का था, दो भाई हूँ, एक छोटा भाई, एक मैं बड़ा था, और कोई बड़ा परिवार नहीं था। तो हर माँ बाप का होता है कि बेटा सफल हो सके, जो क्योंकि समाज में सफलता के मापदंड अलग है, प्रोफेशन से कुछ चाहता है, हर गार्जियन चाहता है कि बेटा ऐसा बन जाए कि घर चला सके, पैसे ला सके। तो वो जो समाज में स्थापित है, डॉक्टर, इंजीनियर, क्लर्क, यहाँ तक कि हम एक चपरासी का भी काम करने को उसको बड़ा उपलब्धि मानते हैं, सिपाही का भी, वो है भी उपलब्धि, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो हर गार्जियन यही सोचता है। मुझे भी नाटक करते हुए घर वाले को लोग था जो उतना समझ नहीं था, लेकिन कभी उन्होंने रोका नहीं, लेकिन ये था कि अंदर से दुखी थे, माँ को तो समझ नहीं था, माँ बहुत, बेटा जो भी करता था उस माँ को अच्छा ही लगता है, लेकिन पापा को दुख होगा इस बात का कि शायद करियर में क्या करेगा, नाच गा रहा है, इसका लाइफ बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, या उन्हें समझ नहीं थी कि थिएटर में भी संभावनाएं हैं, तो उस तरह से परेशानी नहीं हुई मुझे घर से। हाँ, खुद सामाजिक स्तर पे भी अलग थलग रहना, लोग का बहुत गंभीरता से नोटिस नहीं लेना, तो इस तरह से था। लेकिन मुझे परेशानी थिएटर करने में परिवारिक का सामाजिक उस तरह से ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि मैं थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था, मैं परिवार या समाज के जो कोड एंड कंडक्ट है उसको फॉलो बहुत नहीं करता था, तो मैं अपना, मुझे ये काम करना है, उसमें लगा रहता था, और कौन क्या बोल रहा है, किसकी क्या धारणा है, उसमें मैं नहीं जाता था। और शायद यही कारण है कि मैं अभी तक जर्नी में हूँ, लगातार थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि जब हम आसपास को, हम सबको खुश करने के लिए और लोगों की उम्मीदों पे काम करना शुरू करते हैं, तो लगता है कि हम अपने स्वतः को खत्म कर लेते हैं। तो ये जो एक कला की जो आज़ादी है, स्वच्छंदता है, वो हमें लगता है कि अपने मन का काम करने में है, और वो मन का तो मालिक होना पड़ेगा, मन का भी अगर हम गुलाम हो गए किसी का, तो फिर हम वो कला संप्रेषित नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मुझे सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर उतनी कठिनाइयां नहीं हुई। हाँ, अंदर से दुखी होंगे लोग, उन्हें हर गार्जियन चाहता है कि बेटा सफल हो, क्योंकि आज जब मैं सफल हूँ, सक्सेस हूँ, घर बार चला ले रहा हूँ, तो गार्जियन खुश हैं। जी बिल्कुल। तो एक जैसे फैक्ट ग्रुप भी है आपका, एक संस्था है, इस तरीके से देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं, आज के दौर में उन संस्थाओं को चलाना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि जिससे क्या है कि थिएटर में जो लड़के आते हैं, आप साल, दो साल, तीन साल मेहनत करके उनको तैयार करते हैं, फिर वो अपना रास्ता बदल लेते हैं, वो प्रक्रिया चलती रहती है, कितना कठिन है। और खास करके विशेष रूप से ये मैं जोड़ना चाहूँगा कि आज का जो परिवेश है, आर्थिक युग, अर्थ मूल है उसमें, तो वो जो पलायन को कैसे रोका जा सकता है कलाकारों का, और किस रूप में? देखिए, जो इतना बड़ा फिल्म इंडस्ट्री है, थिएटर इंडस्ट्री भी बहुत आगे जाके है, लेकिन हमें लगता है जो शौकिया रंगमंच है या जो एम्यूचुअल ग्रुप है, यही ऑक्सीजन देने का काम करता है। अब मैं इसका उसका इसका हिस्सा मानता हूँ, आना जाना लगा रहेगा, हमें अपना काम करते रहना है।
और थिएटर एक चीज तो सच्चाई है कि ये थिएटर आपको लग्जरी लाइफ नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर दे सकता है कि आप अपना घर और दो साल की रोटी और समाज में जी सके, अगर मनसा सही है, ईमानदारी है तो। और थिएटर ग्रुप चलाना, रंगमंच करना ही मुश्किल है क्योंकि समाज में एक्सेप्टेशन नहीं है। जैसे मैं राष्ट्रीय नारी विद्यालय में जब पढ़ रहा था, जब मैं पास आउट होने वाला था, तो हमारे गुरु ने, टीचर ने पूछा कि अब क्या करोगे, दिल्ली रहोगे, रूम वूम किराया पे ले लिया लक्ष्मी नगर में या मुंबई, कहीं से एक्टिंग तो एक्टर तो हूँ नहीं, या दिल्ली में रह के क्या करूँगा। और कम से कम सर मैं 14 साल थिएटर करके यहाँ आया हूँ, NHD आया हूँ, तो इतना मेरा भी दायित्व बनता है कि जिसने 14 साल हमें दिया है यहाँ तक के लिए, तो मैं उसके लिए भी 14 साल जाकर काम करूँ। तो फिर सवाल ये आता है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में इतना साधन में, इतनी सुविधाओं में, इतने सारे लाइट्स, इतने टेक्निकल एस्पेक्ट मैंने सीखा, वो वहाँ तो है नहीं, वहाँ कैसे पूरा होगा। तो ये चैलेंज था, मैं यही चैलेंज से निकला था कि जब मैं अभी शुरुआत करता हूँ धीरे धीरे आने वाले समय में, ये सब साधन में बेगूसराय में ही संपन्न करूँगा, ताकि मैंने जो ट्रेनिंग लिया वो यहाँ पूरी तरह से ये कर सकूँ। आज मेरे पास बेगूसराय में अपना स्टूडियो है, अपना लाइट्स है, अपने टेक्निकल है, सब कुछ है, और लड़के तैयार करता रहा। ये मैं, ये मुझे अच्छा भी लगता है, मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे साथ लंबे समय से बंद के रहे। अगर किसी, कोई लड़का बन रहा है, काम करके कुछ सीख रहा है, कुछ आगे जाना चाहता है, जैसे मैं यहाँ तक आया, वो भी आगे जाए, तो ये जो आने जाने की जो प्रक्रिया है ना, ये चलती रहनी चाहिए, और नए लोग भी आते रहे, बस वो जल्दीबाजी न करें। जब उन्हें लगता है कि मैं तैयार हो चुका हूँ पूरी तरह से, कि बाहर की दुनिया में जाकर टिक सकता हूँ, मैं कुछ अच्छा काम कर सकता हूँ, ग्रुप का भी नाम कर सकता हूँ, सर हमारे उनका भी, अब बच्चे जब बढ़ते हैं, लड़के जब निकलते हैं, तो आपका भी नाम फैलता है निश्चित तौर पर। तो उस प्रक्रिया मैंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमेशा मैं नए लोग के साथ ही काम करता रहा। जब 2-3 साल वो अच्छे बनने लगे, तो वो कहीं कहीं चले जाते थे, फिर नए आते थे। तो ये जो सर्कल है, ये संघर्ष तो देता है, थोड़ा सा तनाव होता है कि नए नए लोगों के साथ, लेकिन ये जो यही मजा भी देता है, और इसमें शायद हम ज्यादा रच पाते हैं, क्योंकि ठहरा हुआ पानी कभी कभी वो बिल्कुल सरान हो जाता है, वो सरान हो जाता है, तो ये जो धारा है ना, ये धारा चलती रहेगी, बस हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे करना चाहते हैं। जैसे कई बार मुझसे सवाल होता है कि बहुत जिद्दी हो, कंप्रोमाइज नहीं करते, उसूलों का पक्का है, तो मैं कहा कि मुझे हमेशा थिएटर करना है, आपको आज करना है, कल करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, तो आपके लिए मैं अपने उसूल को बदल लूं, जो मेरा थिएटर के साथ कमिटमेंट है, जो मेरा थिएटर के साथ एक कोशिश है, या जो मुझे आनंद देता है, वो मैं नहीं छोड़ सकता, वो आनंद मैं प्राप्त करूंगा ही। आप आते जाते रहो, वो आपकी प्रक्रिया, आपकी प्रक्रिया है, और मुझे कभी दिक्कत नहीं हुआ कि किसी कलाकार के कारण नाटक मेरा बंद हो गया हो, या किसी, क्योंकि हिंदी बेल्ट में लड़कियां नहीं है छोटे घरों में, या किसी फीमेल एक्टर के चलते नाटक बंद हो गया। जब भी मुझे आवश्यकता हुआ हो, तो लोग मिलते गए हैं और नाटक चलता गया, कभी आज तक मुझे अनुभव नहीं है कि किसी कलाकार के कारण मेरा शो रुका है। तो इस तरह से चीजें, जर्नी है, चलती रहेगी। अभी आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वाराणसी सेंटर के डायरेक्टर हैं, इस सेंटर के बारे में थोड़ा बताइए कि जैसे जो एक तो दिल्ली में है मेन सेंटर, जहाँ 3 साल का कोर्स है, यहाँ 1 साल का प्रशिक्षण है, इसके बारे में थोड़ा सा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली पे 3 साल का कोर्स है, कॉमन कोर्स है, वहाँ सब उसके बारे में जानते हैं। ये जो बनारस का सेंटर है, वो स्पेशलाइजेशन है, 1 ईयर कोर्स है, और इंडियन क्लासिकल थिएटर को लेकर है। इसको लेकर भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि यहाँ संस्कृत में काम होता होगा, या क्लासिकल थिएटर ही केवल होता होगा, ऐसा नहीं है। एक अभिनेता को तैयार करने के लिए हमारी जो भारतीय पद्धति है, वो बहुत ही कारक है। जैसे एक अभिनेता के पास उसका शरीर है, या उसकी वाचन है, स्पीच है, यही दो मुख्य हथियार है, और देखने वाले के पास भी ऑडियंस या तो देखता है या सुनता है। तो हमारी जो भारतीय ट्रेडिशन है, या जो हमारा क्लासिकल इंडियन थिएटर है, वहाँ आंगिक अभिनय और वाचिक अभिनय विशेष रूप से बहुत मजबूत है। ऐसी जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, मुझे लगता है कि हर मॉडर्न एक्टर के लिए इतना डिटेल कहीं दुनिया में, इतना डिटेल से कहीं काम नहीं है। हमारे यहाँ अंगों का संचालन, या जितने जो मूवमेंट है, डांस है, या जो हमारे ट्रेडिशन में छऊ है, अभी छऊ की क्लासेज यहाँ चल रही है, या कलरी है, या योगा है, इस तरह की कई चीजें जो शारीरिक भाषा को उन्नत करती है, वो दूसरे ट्रेनिंग में नहीं है। तो हम अभिनेता ही तैयार करते हैं, बस हमारी भारतीय पद्धति के द्वारा तैयार करते हैं। थिएटर ओवरऑल जो थिएटर का जो जो टर्म है, या थिएटर में जो रोचकता है, यहाँ की व्याकरण है, वो हमें लगता है कि यहाँ सब कुछ है, क्योंकि हम बाहर के लोग हमारे यहाँ आकर
लेकर गए बाहर, चाहे वो इतर सेखनर हो या अर्जुन बारबा हो, हम अपनी चीजों से जाते हैं। तो हमें एक धारणा बना लिया कि संस्कृत थिएटर होता है या खासकर इंडियन थिएटर, उसमें एक तरह का काम होता है। नहीं, ये मॉडर्न काम है। एक अभिनेता के लिए कौन अभिनेता नहीं चाहता कि उसका आंगिक संचालन सही हो। जितने जो हमारे यहाँ जो गायन की परंपरा है, या क्लासिकल वोकल या स्पीचेज, कई तरह की चीजें क्लासेस चलते हैं। तो टोटल जो एक्टर बनने निर्माण की प्रक्रिया है, उसमें जो भारतीय पद्धति है, जो हमारा जो मेथड है, वो ज्यादा कारगर है। और एक अभिनेता के लिए हमें लगता है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में भी जो 3 साल का कोर्स है, तो फर्स्ट या सेकेंड ईयर में ये भी कोर्स है। वहां भी क्लास का प्रोडक्शन होता है, वहां भी क्लास का हम फोक इनपुट पे जाते हैं। तो क्योंकि जो हमारा अभिनेता है वो हमारे परिवेश से है, इसके आसपास से मेथड हम ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, या कि बाहरी चीजों को लेकर। और दुनिया में कहीं भी हो, अभिनेता के लिए बेसिक सब वही है जो हमारे यहाँ हो या बाहर, कहीं भी हो, तो बोलना उनको भी है, बोलना हमारे अभिनेता को भी है। अंग संचालन उनके लिए भी जरूरी है, हमारे लिए भी जरूरी है। आंखें उनकी भी बोलती है, हमारी भी बोलती है। तो ये जो आंगिका वाचिक है या सात्विक जो है, ये हमारे ट्रेडिशन में, खासकर भारतीय मेथड, इंडियन मेथड में बहुत ज्यादा डिटेलिंग वर्क है। तो हमें लगता है कि एक अभिनेता को इस मेथड से गुजर के हमें लगता है कि वो ज्यादा अपने को आंक सकते हैं। तो इसलिए इस सेंटर का एक महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1 साल का कोर्स है। ये कोर्स तो 1 साल बहुत कम है, मुझे लगता है जितना हमारा ट्रेडिशन है या मेथड है, जो हमारे सेमी क्लास का फॉर्म्स है, इसके लिए कम से कम ये कोर्स 2-3 साल का होना चाहिए, तब जाके और अभिनेता परिपक्व होकर निकलेंगे। क्योंकि 1 साल के बाद फिर वो कुछ हम टेबलेट ही दे पाते हैं, कैप्सूल ही दे पाते हैं, पूरा इलाज नहीं कर पाते। तो पूरे इलाज के लिए जरूरी है कि कोर्स का और एक्सटेंशन हो। और ये धारणा हटाके कि पाकिस्तान की वो भी जानना जरूरी है, ब्रेक पढ़ के ही हम एक्टर बन सकते हैं, ये नहीं। हम अपने मेथड के द्वारा अपनी परंपराओं के साथ भी हम अपने को बना सकते हैं। इस मामला में ये सेंटर स्पेसिफिक है, और बच्चे आते हैं अलग अलग धारणा लेके, लेकिन यहाँ आकर इतना लम जाते, इतना काम करते हैं कि वो उनके उनके डेवलपमेंट में या उनके व्यक्तित्व में भी वो निखार दिखता है। तो बनारस सेंटर आने वाले दिनों में हमें लगता है कि और डेवलप होगा, बेहतर करेगा। और ये भी एक कॉन्सेप्ट हम दे पाएंगे कि हमारा जो इंडियन मेथड है, जो इंडियन क्लास का थिएटर, जो हमारा नाट्य शास्त्र है, वो बाहरी सिद्धांतों से कम नहीं है, बल्कि और ज्यादा डिटेल है। बस थोड़ा सा हमने इसको भारी बना रखा है, इसको सहज करना है, और सहजता के साथ अभिनेता या ट्रेनिंग प्रोसेस में इस मॉड्यूल को अपनाना है। आखिरी सवाल हम लेंगे आपसे, क्योंकि समय आपका बहुत कीमती है। जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो आना चाहते हैं थिएटर में काम करना चाहते हैं, या फिर आगे वो एक यात्रा करनी चाहते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्पष्ट होना हो जी, आपको करना क्या है, कंफ्यूजन नहीं। आजकल युवा पीढ़ी कंफ्यूज है, अब बहुत ये जो इमोजी वाला, इमोशन वाला दौर है, इस दौर में ना ठहराव नहीं है। तो ठहर के सोचना होगा, निश्चय करना, ठगना नहीं है, टाइम को किल नहीं करना है कि 2 महीना ये कर लेते हैं, 3 महीना ये कर लेते हैं, जहां मौका मिले वो कर लेते हैं। आपको क्लियर कट स्पष्टवादी होना होगा कि हमें ये करना है, तो उस पर टिकना होगा। और सपने खूब देखें, सपना देखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सपना देख के केवल सो न जाए। उन सपने को पूरा करने के लिए दिन रात की मेहनत, लगन, और लगातार जब तक वो लक्ष्य प्राप्ति न हो, लगे रहना चाहिए। और निराश नहीं होना है। लोग को लगता है कि थिएटर में क्या ऑप्शन है, मैं ईमानदारी से बताता हूँ, अपना अनुभव कहता हूँ, आसपास के लोगों का अनुभव देखता हूँ, कि अगर आप सच में अपनी विधा के साथ आप जो करना चाहते हैं, अगर आप कमिटमेंट है, ईमानदारी है, तो आप निश्चिंत रहे, लेट है, देर है, लेकिन वो आपको कई गुना ज्यादा रिटर्न दे के जाएगा। और अब तो थिएटर में, एक समय थिएटर में हम लोग जब थिएटर शुरू किए थे, कोई जीविकोपार्जन नहीं दिखता था, आज के समय में तो है, बहुत सारे स्कोप है। और थिएटर करते हुए आप बाहर दूसरा काम भी कर सकते हैं, थिएटर भी कर सकते हैं, और कुछ करे ना करे, थिएटर एक अच्छा इंसान तो बनाता है, थिएटर आपको समाज में स्थापित तो करता है। और वैसा जीवन ही क्या जहां कोई पहचान न हो, हम भीड़ में खोए हुए, तो भीड़ से अलग जब भी हटेंगे तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष से घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, और लंबे समय टिक के काम करना है। अब बिल्कुल वो सब मिलेगा जो आपने सपना देखा है, बस उस सपना पूरा करने के लिए जिद जरूरी है, जुनून होना चाहिए, ये जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया हमको, और निश्चित रूप से आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि थिएटर और कुछ दे या ना दे, लेकिन एक बेहतर इंसान जरूर बना देता है। तो अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे वाराणसी सेंटर, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के वाराणसी सेंटर के डायरेक्टर प्रवीण कुमार गुंजन जी से।
और संवाद को आप सुनिए और अगले संवाद का इंतजार करिए। जुड़े रहिए हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।